भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच त्रिनिदाद में तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज को 151 रनों पर ढेर करते हुए 200 रनों से मैच जीत लिया। तीसरे वनडे में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने 351 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें टीम इंडिया के लिए चार बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें एक अर्धशतकीय पारी कप्तान हार्दिक पांड्या की रही, जिन्होंने 70 रन मात्र 52 गेंदों पर ही जड़ दिए। इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जिन्होंने 85 रनों की पारी खेली। इस सीरीज में ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दी गई, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक तीन मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलकर सभी को प्रभावित किया। टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में सब कुछ सही हुआ। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर विभाग में भारतीय टीम अच्छी नजर आई। बावजूद इसके कप्तान हार्दिक पांड्या मैच के बाद भड़कते नजर आए और उन्होंने मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा कहा जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह गए। दरअसल में वो टीम इंडिया पर नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के मैनेजमेंट पर भड़कते नजर आए। दरअसल में उन्होंने मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि वेस्टइंडीज में त्रिनिदाद का स्टेडियम सबसे बेहतर स्टेडियम है। ब्रायन स्टेडियम जो है वो अभी तक का वेस्टइंडीज में उनके द्वारा खेले गए सभी स्टेडियम में सबसे बेहतर लगा। लेकिन इसके बाद वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वेस्टइंडीज के मैनेजमेंट को लताड़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लग्जूरियस चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि कुछ बेसिक चीज़ें ही आप हमें प्रोवाइड कर दें तो बेहतर रहेगा। इस पर हार्दिक पांड्या कहते हैं कि यह हमारे द्वारा खेले गए सबसे अच्छे मैदानों में से एक था। अगली बार जब हम वेस्टइंडीज आएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जैसे यात्रा से लेकर कई चीज़ों का प्रबंधन हो सकता है। पिछले साल भी कुछ दिक्कतें हुई थी, इसका ध्यान रखो और सुनिश्चित करें कि जब कोई टीम यात्रा करे तो ये दिक्कतें ना हो। हम लग्जरी चीज़ों की मांग नहीं करते हैं, लेकिन हमें कुछ बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है। आपको बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी BCCI पर भी भड़के थे। दरअसल में बारबाडोस से त्रिनिदाद जाते हुए उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने BCCI को लेटर भी लिखा था। यानी कि वेस्टइंडीज़ दौरे पर टीम इंडिया को, चाहे फिर वो BCCI हो या फिर वेस्टइंडीज़ का मैनेजमेंट, दोनों से ही नाराज़गी जतानी पड़ी है। अगली बार वेस्टइंडीज़ जब टीम इंडिया आएगी तो देखना होगा कि फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और फेसबुक पर भी हमें लाइक एंड फॉलो करें।